So, I guess it's gonna be raining very soon. आज मैं शाम को लेकर आ गया स्नोई थियसा को इस वजह से. एंड देयर इज थियसा वॉकिंग स्ट्रॉलिंग अराउंड द पार्क. इट्स ब्यूटिफुल, यू नो, इट्स एक्चुअली ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल. अभी बिजली भी कड़क रही है. और आज का वीडियो इज गोना बी इंटरेस्टिंग. ऑल दो वील हैव टू, इसकी स्किन में थोड़ी ड्राइनेस है तो उसके लिए भी मुझे कुछ करना है. ओके एंड शी इज हियर. हाँ, मेरे ग्रेट डेन. एंड देयर इज स्नोई एंड देयर इज थियसा. दे आर चिलिंग आउट. ये ग्राउंड इनके लिए बहुत अच्छा है, यू नो, क्योंकि देयर इज नो ग्रास और काफ़ी सॉफ्ट भी है ये, तो इट्स गुड. तो इसकी स्किन, एज यू कैन सी, शी इज अ लिटिल स्क्रैचिंग. तो दिल्ली में तो प्लीज़ डोंट गेट द सेंट बर्नार्ड्स जब तक आपके पास इस पार्क जितना बड़ा घर नहीं है और उसमें सारे में एसी नहीं लगा है. तो प्लीज़ डोंट बाय देम. बाय द वे, एंड शी इज हैविंग अ लिटिल रफ स्किन, तो उस पर ड्राई स्किन आज, तो उस पर जाके थोड़ा सा सोल्यूशन वगैरह लगाना है. एंड देयर इज अ डॉग ओवर देयर. जब मैं पार्क में आया तो उसको लगा मैं खाना देने आया हूँ, क्योंकि यू नो क्वारंटाइन की वजह से थोड़ा सा वी आर फोकसिंग ऑन द स्ट्रीट डॉग्स अभी. और बादल गरजते हुए, इट्स गुड, इट्स गुड. सो वी जस्ट गोना गो बैक अभी थोड़ा सा इनको फेच खिलाकर. लाइटिंग कम है इसलिए मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा. यू कैन जस्ट सी द सीनिक ब्यूटी. ओके लेट्स गो. स्नोई, वो सॉरी फॉर द वियर्ड कट. बीच में जब मैं स्नोई थियसा को लेकर आ रहा था तो आई गॉट अ रेस्क्यू कॉल, और जब मैं वापस आया तो यू कैन सी व्हाट इज दिस. ये होती है सांप की डेड स्किन, जिसको हम स्नेक स्किन बोलते हैं. एक्चुअली में यू कैन सी हिज हेड, प्रॉपर आईज का भी मार्क है इस पर. इट्स गुड, इट्स गुड. सो फाइनली इट मीन्स कि रंगीला बड़ा हो रहा है. क्या हो गया, क्या हुआ? अच्छा, क्या हो गया? तो शी इज नॉट हैविंग एनी टिक्स एक्चुअली में, बट आई हैव सम लोशन जो कि इसको थोड़ा सा, यू नो, इसकी बॉडी में हल्का सा मॉइस्चर दे देगा. तो मैंने इसको पहले भी लगाया था, मैं इसको रोज़ अप्लाई करता हूँ. हाँ बेटा, एंड दिस इज़ माई स्टार एक्वेरियम. मैं इसको स्टार एक्वेरियम ही बोलूँगा क्योंकि इस समय दिस एक्वेरियम इज़ माई फेवरेट. एंड लुक एट हिम, ओह ही गॉट स्कैर्ड. काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे, यू नो, डोंट कीप फिशेज, इसके साथ कोई भी मछली मत रखो, ये पकड़ लेगा और ये खा जाएगा, एंड यू नो, जो कि एक्चुअली में होता भी है. आई एग्री, आई श्योरली एग्री, पर ही इज़ वेरी स्लो, ही कांट डू एनीथिंग. और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्विमर्स हैं, यू कैन सी. अभी मैंने जस्ट अभी लाइट ऑन की है और ये पूरी रात लाइट ऑन ही रहेगी इसकी. दिस इज़ काइंड ऑफ अ नॉक्टर्नल थिंग, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कूल है, यू नो. एंड लुक एट हिम मैन, ही लुकिंग गुड. ऑल्दो ये कोशिश तो करता है इनको पकड़ने की, पर ये कभी कर नहीं सकता ये काम.
ये बहुत ही ज़्यादा स्लो है, यू नो ये ऐसे ऊपर आ जाता है यहाँ पर, और फिर मैं ऊपर से इसको खाना देता हूँ, यहाँ से डालता हूँ, और बहुत ही नॉर्मली ये करता है काम. एंड आई नो व्हाट्स रॉन्ग विद हिम. ओके, ही इज़ क्लीनिंग हिमसेल्फ. हाय, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग हिम डूइंग समथिंग लाइक दिस. टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कैसा लग रहा है ये एक्वेरियम. मैं तो फॉन्ड हूँ इस एक्वेरियम का, मुझे बहुत पसंद है एक्वेरियम मेरा. सो दीज फिश दे आर एक्चुअली कूल. मैं सोच रहा था यू नो टू गेट सम फूड फॉर देम. अगर अभी ऐसा माहौल ना होता, यू नो लॉकडाउन या फिर ऐसा कुछ, तो मैं फॉर श्योर बाहर जाता. एंड देयर इज अ गपी इन इट ऑल्सो, छोटी सी गपी. एंड देयर आर टू फीमेल गपीज ऑल्सो, दिस इज द फीमेल. हाँ, तो मैं बाहर जाकर इनके लिए थोड़े से मॉस्किटो लार्वा लेकर आता फॉर श्योर. तो अभी वो मेरे पास नहीं है और मेरे पास टाइम बहुत सारा है. और यू नो मैं अभी सोच रहा था कि लेट्स हंट सम मॉस्किटोज. आज कल मेरे घर पे थोड़े से ज़्यादा मॉस्किटोज होने लगे हैं. एंड वी डोंट यूज़ एनी मेडिसिन और समथिंग, क्योंकि अभी आना जाना थोड़ा सा ज़्यादा लगा रहता है, यू नो बालकनी का गेट एंड ऑल. सो मॉस्किटोज गेट इनसाइड. सो टुडे इज़ द डेथ डे फॉर द मॉस्किटोज. सो वी आर गोना हंट सम मॉस्किटोज. And this is the हथियार that I'm gonna use, क्योंकि हाथों से तो नहीं पकड़ सकता मैं. And I'm not a samurai जो कि मैं chopstick से मच्छर पकड़ लूँ. ओके, कहाँ गिरा है. एंड आई कैन फाइंड इट. द हेल. ओके शिट, भाग गया यार वो. लुक एट हिज फेस. वाली नजरों से देखते हैं ना मेरे पेट्स मुझे. एंड शी इज माय डार्लिंग. तो आज मेरी मछलियों को मुझ पर प्राउड फील होगा, क्योंकि आई हैव सम मॉस्किटोज फॉर देम. ओके, सो आई एम जस्ट गोना ड्रॉप देम इनसाइड. लेट्स सी. अभी तो ये यू नो आई गॉट देम रिसेंटली, तो ये बहुत ज़्यादा डरी भी रहती है मुझसे, तो इनको आदत भी नहीं है. और ओके ओके, सो यू कैन सी देयर इज वन असली जिंदा मच्छर भी है इसमें एक. Okay, and they have started it. The little piranhas have started. Oh my god. They're actually enjoying it, man. Dude, look at this. Okay. What is happening? Look at them go, man. Look at them go. They are like piranhas, man. ओके, सो यू कैन सी नेचर में ये कैसे सर्वाइव करती हैं. यू कैन एक्चुअली में हैव एन आइडिया. तो नेचर में एग्जैक्टली इसी तरह से यू नो दे बिहेव लाइक दिस ओनली. दिस इज द स्टेपल डाइट. स्टेपल डाइट वो होती है जो कि आप रोज देते हैं उनको, पर इट डिपेंड्स. मैं अपने हर जानवर को नेचुरल डाइट देता हूँ, चाहे आप कोई भी जानवर ले लें. तो इसलिए जितना ज़्यादा आप नेचुरल डाइट रखेंगे, उतना ज़्यादा आपका पेट बहुत ज़्यादा यू नो हेल्दी भी रहेगा. दे लुक ब्यूटिफुल एंड दे विल बी हैप्पी ऑल्सो. सो दिस इज इट. एंड आई हैव जस्ट ड्रॉप्ड सम ऑफ द फूड इनसाइड. और यू कैन सी ही इज एक्चुअली ग्रैबिंग ऑन, ही ग्रैब्स ऑन द फूड.
ये ऐसे पकड़ कर खाता है प्रॉपरली खाने को। ओके सो मैं ज़्यादा पकाऊंगा नहीं आप लोगों को। मैं और ज़्यादा मच्छर नहीं ढूंढ पाया, यू नो मेरे घर पे मुझे लगा था इतने सारे मच्छर होंगे पर नहीं थे, तो जितने मिले आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट एंड दिस इज़ द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ एवरी वन जो कि मुझे फिल्म करते हुए दिखता है। कैमरा लेकर इधर उधर भाग रहा हूँ मैं, दूसरे हाथ में मेरे रैकेट है और मैं मच्छर मार रहा हूँ ताकि मैं अपनी मछलियों को खिला सकूँ। हाउ लेम दिस इज़ मैन। तो यू नो जब क्वारंटाइन नहीं होता, जब नहीं था तब तो हम 24/7 रेस्क्यू में रहते थे, ऑलमोस्ट 24/7 हो जाता था। अब रेस्क्यू कॉल्स भी नहीं हैं क्योंकि लोग घर से बाहर निकल नहीं रहे हैं और उनको कोई स्पॉट ही नहीं कर पा रहा है, यू नो सांपों को कोई स्पॉट नहीं कर पा रहा है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। स्नोई अरे, क्या हो गया सिम्बा? इसके अलग ही शौक रहते हैं।